ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए जावेद को हाई कोर्ट से मिली जमानत, 2 लाख के मुचलके पर दी जमानत। गोगुंदा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 लोग गंभीर घायल। और बेकाबू ट्रोले द्वारा बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार पिता और उसकी 5 साल की मासूम की मौत। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में कन्हैयालाल के पड़ोसी मोहम्मद जावेद को ये बताते हुए गिरफ्तार किया गया था कि जावेद ने मुख्य आरोपी को फोन पर सूचना देकर बताया था कि कन्हैयालाल अपनी दुकान पर ही मौजूद है, लेकिन इस बारे में पूरे साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड में आरोपी बनाए गए जावेद को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने गुरुवार दोपहर उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोहम्मद जावेद को 2 लाख रुपए के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपए की राशि पर ये जमानत मंजूर की है। मोहम्मद जावेद के वकील एडवोकेट सैयद सादत अली और एडवोकेट नादिम आतिफ अमान ने बताया कि जमानत पर बहस करते हुए जावेद के अधिवक्ता सैयद सादत अली ने कहा कि NIA के मुताबिक जावेद ने इंडियाना टी स्टॉल पर बैठकर कन्हैया लाल की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन टी स्टॉल मालिक धर्मेंद्र साहू ने जावेद के उस दिन टी स्टॉल पर आने को कन्फर्म नहीं किया। एडवोकेट सैयद सादत अली ने बताया कि NIA का ये भी कहना है कि जावेद ने कन्हैयालाल की रेकी करके रियाज को बताया था, लेकिन जावेद कन्हैयालाल की दुकान पर गया ही नहीं। दुकान पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज से ये बात साबित होती है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीण भटनागर की खंडपीठ मोहम्मद जावेद को 2 लाख रुपए के मुचलके और 1 लाख राशि पर उन्होंने ये जमानत मंजूर की है। NIA का कहना था कि मोहम्मद जावेद ने सुबह 11 बजे फोन करके मुख्य आरोपी को सूचना दी कि कन्हैयालाल दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि चालान के अंदर ना तो नक्शे के अंदर मोहम्मद जावेद की दुकान का फासला दिखाया गया, और अगर मोहम्मद जावेद अपनी दुकान से कन्हैया को देखने घर अपनी दुकान से निकलता, कन्हैया की दुकान के सामने जाता, तो उसके वहां पर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनके अंदर मोहम्मद जावेद कैद हो जाता है और उसमें उसकी तस्वीर। NIA की ओर से अधिवक्ता TP शर्मा ने अदालत में बहस करते हुए कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी एक दूसरे को जानते हैं, इन सभी ने मिलकर कन्हैयालाल हत्याकांड की साजिश की थी। आरोपियों की कॉल डिटेल से साबित होता है कि सभी एक दूसरे से फोन के जरिए संपर्क पर थे। आरोपी ने भी अपने स्टेटमेंट में इस बात को स्वीकार किया है। इस पर कोर्ट ने NIA द्वारा लिए गए स्टेटमेंट को लेकर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि NIA ने सारे स्टेटमेंट अंग्रेजी में लिखे हैं, आरोपी ने जिस भाषा में स्टेटमेंट दिए उस भाषा में उसे क्यों नहीं लिखा गया। मोहम्मद जावेद से पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को NIA कोर्ट 1 सितंबर 2023 को जमानत दे चुकी है। फरहाद पर NIA ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में पर्यटकों की एक कार ट्रेलर से जा टकराई, जिसके चलते 4 लोग गंभीर घायल हुए हैं। एक दिन पहले इसी रोड पर हुए भीषण हादसे में बेकाबू ट्रेलर ने रोडवेज बस को टक्कर मारी थी। टक्कर के बाद तेल से भरा ट्रेलर पलटने के चलते उसका चालक कैबिन में फंस गया था। दूसरे दिन गुरुवार को उसी स्थान पर फिर हादसा हुआ है। इसमें पर्यटकों की तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 लोग गंभीर घायल हुए हैं। गोगुंदा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन हुए एक और भीषण सड़क हादसे में 132 kV पावर स्टेशन के समीप पर्यटकों की तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्य और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान मध्य प्रदेश के शहडोल निवासी
सुशील कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई है। ये परिवार कुंभलगढ़ और रणकपुर घूमने के लिए जा रहा था। परिवार ने उदयपुर से टैक्सी हायर की थी। दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। 108 एम्बुलेंस के पायलट सोहन सिंह और पुलिस की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को गोगुंदा के अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर संजय गर्ग ने सभी घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें उदयपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फट गया गाड़ी का आगे वाला, हाँ। गाड़ी से अनकंट्रोल हो गई और एक खड़ा हुआ ट्रक था लेफ्ट साइड में रोड पर खड़ा हुआ था, उसमें जाके गाड़ी पीछे से। आप कहाँ के रहने वाले? मैं उदयपुर गोपालपुरा मठ का रहने वाला हूँ। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये है अपनों की, सिटी वाइब्स है ये। एक बेकाबू ट्रोले द्वारा बाइक को टक्कर मार देने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार पिता और उसकी 5 साल की मासूम ट्रोले की चपेट में आने के चलते बुरी तरह घायल हो गए। घायल पिता पुत्री को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में गनोड़ा गांव के पास उदयपुर मार्ग पर हुई है। पुलिस ने पिता और पुत्री के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर मार्ग पर बुधवार देर रात को एक बेकाबू ट्रोले ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में गनोड़ा गांव के पास हुई। इस हादसे में बाइक सवार युवक और उसकी 5 साल की बच्ची गंभीर घायल हो गए। घायल पिता ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसकी 5 साल की बच्ची को गंभीर घायल अवस्था में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान बच्ची की भी मौत हो गई। दुर्घटना घनोड़ा से करीब 1 किलोमीटर पहले मुख्य मार्ग पर हुई। इस हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय दलीचंद और उसकी 5 वर्षीय बेटी अंजू की मौत हुई है। मृतक बोरदा के रहने वाले थे। हादसे में दलीचंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बच्ची अंजू ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र ने बच्ची के शव को मोर्चरी में रखवाया है। और पिता का नाम नंदी है और बेटी का नाम अंजू। और घनोड़ा के थोड़ा उधर गनोड़ा से पहले पहले एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। ट्रोला और मोटरसाइकिल से ट्रोले और बाइक की भिड़ंत हुई। हाँ। है और ये निवासी कहाँ के? बोरदा के। बोरदा के और गनोड़ा के पास एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। इसमें दलीचंद की मृत्यु हो गई। हाँ, दलीचंद की मौत हो गई है। इतना सारा चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट, काम जल्दी और आसानी से होगा, कीमत कम, काम में दम, कपड़ों की लाइफ बढ़ाए, आपके बजट में आए। राजसमंद जिले की नादवारा तहसील में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट आवंटियों को सुपुर्द किए जाने से पूर्व ही खस्ता हाल में पहुंच गए हैं। नवनिर्मित फ्लैट्स में जगह जगह प्लास्टर निकलकर गिर रहा है, दीवारों में भी जगह जगह क्रैक आ गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नादवारा के धारचा में बनाए गए फ्लैट्स लोकार्पण से पूर्व ही खस्ता हाल हो गए हैं। इन फ्लैट्स का शुक्रवार को लोकार्पण होना है। नवनिर्मित भवन में जगह जगह सीलन आ गई है, घटिया निर्माण एक बारिश भी नहीं झेल पा रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा पैसा बचाने के चक्कर में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए इन फ्लैट्स का लोकार्पण शुक्रवार को नादवारा विधायक के हाथों होना है, लेकिन इन फ्लैट्स की खस्ता हालत को देखते हुए फ्लैट धारकों को अपना भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। इनकी हालत देखकर वे चिंतित हैं, जिन्हें ये फ्लैट्स आवंटित हुए हैं। फ्लैट धारकों का कहना है कि हमारे द्वारा बैंक की किस्त भी 2 साल पूर्व कंप्लीट हो चुकी है और 2 साल से एक तरफ फ्लैटों की किस्तें चुका रहे थे और दूसरी तरफ किराए भरकर दोहरी मार झेल रहे थे। अब जैसे तैसे मकान पर कब्जे का समय आया तो मकानों की हालत देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन फ्लैट्स में रहकर आए दिन मुसीबतों का सामना करने को ही मजबूर होते रहेंगे। एक तो 3 साल बाद फ्लैट मिल रहे हैं और वो भी खस्ता हालत में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। कहीं प्लास्टर निकल रहा है, कहीं लाइटिंग के बोर्ड लटक रहे हैं। एक ही रूम में भांत भांत की टाइल्स लगाई गई है।
छतों पर पानी भर रहा है, फ्लैट के दरवाजे टूटकर गिरने हैं की स्थिति में है, फ्लैट के अंदर लगी खिड़कियों के कांच भी टूटकर गिर चुके हैं। फ्लैट धारकों ने आवास लेने से भी इनकार करने का मन बना लिया है। देखना यह है कि लोकार्पण होने के बाद इनकी समस्याओं का कोई ठोस समाधान निकलता है या नहीं, और निर्माण कार्य में कोताही बरतने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है भी या नहीं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर के ब्रह्मपोल बाहर स्थित दरगाह हजरत इमरत रसूल शाह बाबा के 134वें 3 दिवसीय उर्स का आगाज गुरुवार बाद नमाज असर परचम कुशाई की रस्म के साथ होगा। 3 दिवसीय उर्स के दौरान उदयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश भर से जायरीन शिरकत करने के लिए आएंगे। उर्स 7 सितंबर को शाम 6 बजे कुल की फातिहा के साथ सम्पन्न होगा। कमेटी के सदर मुबारक खान, एडवोकेट तनवीर इकबाल, मोहम्मद शबीर, इमरान खान, मोहम्मद तौकीर रजा, मुबीन खान, अमजद खान, शराफत हुसैन सहित अन्य सदस्य उर्स की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। कमेटी के सदर हाजी सरवर खान और सेक्रेटरी शादाब खान ने बताया कि 3 दिवसीय उर्स का आगाज 5 सितंबर 2024 गुरुवार को असर की नमाज के बाद परचम कुशाई के साथ होगा। इसके बाद शाम 5 बजे चादर शरीफ का जुलूस दरगाह पर पहुंचेगा और अकीदतमंद दरगाह पर चादर और फूल पेश करेंगे। शाम 6 बजे लंगर तकसीम किया जाएगा और रात 9 बजे बाद महफिल मिलाद का आयोजन होगा। इसमें स्थानीय मिलाद पार्टी और नातखवां अपने नातिया कलाम पेश करेंगे और उसका समापन 7 सितंबर 2024 को शाम 6 बजे कुल की फातिहा के साथ होगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए जावेद को हाई कोर्ट से मिली जमानत, 2 लाख के मुचलके पर दी जमानत। गोगुंदा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 लोग गंभीर घायल। और बेकाबू ट्रोले द्वारा बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार पिता और उसकी 5 साल की मासूम की मौत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत ज्योति को, आप बने रहिए News 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91 आवाज हम सबकी।